आज का मेरा ये वीडियो एक रिक्वेस्ट वीडियो है मेरा एक बहुत अच्छा फैमिली मेम्बर मेरे जो मेरे सब्सक्राइबर है वो मुझे बहुत दिन से मैसेज कर रहा है उसका बहुत हाँ, ज़्यादा हाई लेवल का ब्लड प्रेशर है तो वो क्या नमक जो है नमक खा सकते हैं कि नहीं क्या के या फिर नमक की जगह वो ब्लैक नमक या फिर मान लीजिए कि जो नमक है वो ड्राई करने, करने के बाद फ्राई करने के बाद क्या वो खा सकते हैं ऐसे वो खाते हैं या क्या ठीक करते हैं इसमें के ब्लड प्रेशर जो मतलब जो एंट्री है वो कैसे चले जाते हैं ये ऐसे नमक ऐसे फ्राई करने के बाद या फिर ब्लैक नमक खाने के बाद ब्लैक सॉल्ट जो है वो खाने के बाद मान लीजिए कि उसका कोई मतलब इफेक्ट आने वाला है शरीर में ब्लड प्रेशर लेवल हाई हो सकता है या फिर नॉर्मल रहते हैं मतलब उसका जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल नहीं आते मतलब हर जिस दिन वो ब्लड प्रेशर मापने जाते हैं उसका जो मेडिसिन खाने के बाद भी उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई ही रहते हैं तो ये क्या नमक के साथ कोई किसी तरह संपर्क है तो इसीलिए आज का मेरा वीडियो सिर्फ वो सब्सक्राइब के लिए नहीं है बहुत सारे पर्सन जिसका हाई ब्लड प्रेशर है जो नमक लेते हैं कैसे लेते हैं ऐसे ब्लैक सॉल्ट या फिर नमक फ्राई करके बहुत सारे पर्सन लेते हैं वो क्या ठीक करते हैं तो जानिए आज का मेरा वीडियो पूरा देखने के बाद जी सोलशन चले मैं सभी का दिल से स्वागत करती हूँ जिन जिन पर्सन मेरा फैमिली मेम्बर रहे ऐसे क्वेश्चन करके मुझे आ, करते रहिए मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ आप लोगों के साथ जी वीडियो भी आ, देने की कोशिश करती हूँ और जिन जिन पर्सन अभी तक मेरा फैमिली मेंबर नहीं बने तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक बटन हिट कीजिए बेलाइकन को दबा दीजिए और ऐसे वगैरह अगर क्वेश्चन वगैरह रहे तो मुझे मिल लीजिए जिन पर्सन हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है वो डॉक्टर के जाने के बाद डॉक्टर पहले ही आपका जो नमक है वो एंट्री करते थे कि बोलते थे कि खाने में नमक मत लीजिए या फिर लीजिए तो थोड़ा सा लीजिए तो बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं नमक लेने से मना किया है तो रवन फ्राई कर लेते हैं या फिर ब्लैक सॉल्ट ले लेते हैं ऐसे बहुत सारे पर्सन करते हैं लेकिन सच में ये ठीक प्रोसेस नहीं है एक ही रहते हैं उसका जो नमक का जो आ, मतलब जो आपका जो इफेक्ट आते हैं शरीर में तो फ्राई करिए फिर ब्लैक सर्व लीजिए इफेक्ट तो आते ही है जैसे कुछ वगैरह कुछ भी तरह नमक का नमक खाइए ब्लड प्रेशर का पेशेंट के साथ नमक जो है वो एंटी रहते ही रहते हैं ब्लड प्रेशर के पेशेंट के साथ नमक एंटी क्यों करते हैं डॉक्टर ऐसे ही डॉक्टर मना कर देते हैं नहीं नमक एंटी नहीं है लेकिन नमक के अंदर जो सोडियम रहते हैं ना वो ब्लड प्रेशर के लिए एक जहर जैसा कम करते हैं सच में और वो सोडियम जो है आप फ्राई करें या फिर ब्लैक सॉल्ट लीजिए जिस तरह जो इच्छा नमक लीजिए जैसे करके नमक लीजिए जो सोडियम का जो मात्रा है वो किसी तरह कम नहीं होते और सोडियम का जो है आपका ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत ज़्यादा एंजी है एक ही मेडिसिन है आपका नमक कम कीजिए नमक थोड़ा कम लीजिए और नमक लाइफ से मतलब निकल दीजिए तभी जाकर मेडिसिन भी काम करते हैं और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी आ, आने वाले हैं मान लीजिए खाने का जो नमक है उसके अंदर सोडियम की मात्रा कितना रहती है 100 ग्राम लेमन so के अंदर आपका 36.85 ग्राम आपका सोडियम रहते है तो इसीलिए डॉक्टर पूरा मना नहीं करते बोलते हैं कि थोड़ा सा लीजिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रहते लेकिन रहते हैं सोडियम और वो जितना भी प्रोसेस अप्लाई कर लीजिए कि नमक के अंदर सोडियम की मात्रा कोई हेरफेर नहीं होता है सो so, हाई ब्लड प्रेशर का जिन जिन पर्सन है वो लाइफ से थोड़ा सा नमक निकल ले दी दीजिए थोड़ा सा नमक डालिए कुकिंग वगैरह में वही खाइए अलग से नमक लेके अपने आप नहीं खाने खाएंगे वो फ्राई कर लीजिए ब्लैक सॉल्ट ले लीजिए ले कुछ भी लीजिए नहीं खाएंगे क्योंकि नमक के साथ आपका लाइफ एंट्री हो चुका है क्योंकि आपका हाई ब्लड प्रेशर आपका आ चुका है शरीर में तो इसलिए कुकिंग वगैरह में थोड़ा सा डालिए ज़्यादा से ज़्यादा नहीं और खाइए और फिर मेडिसिन लेने के बाद आप देखना आपका मेडिसिन कैसे कम करता है लेकिन अगर नमक अब मतलब ज़्यादा लेंगे तो मेडिसिन भी तो क्या करेंगे नमक तो अब शरीर हम इंटेक्ट कर दे कर रहेंगे ना उसका जो मेडिसिन लेने के बाद भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई ही रहते हैं इसीलिए आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है आज का ये मैसेज सभी पर्सन के लिए जिन्हें पर्सन का हाई ब्लड प्रेशर है तो लाइफ से नमक निकल लीजिए थोड़ा सा कुकिंग बार मुझे डालिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है आज के लिए इतना से थैंक यू सो मच